वाद पेटी का शुरू हुआ था। वाद माने अर्थवाद तात्पर्य। छह अधिकरणों में कुछ मंत्रों को लेकर शब्दों विचार करेंगे। स्तुति परक है या नाम परक है या गुण परक है। उर्वशी कहेगा नाम या गुण आदि ले लो तो सिद्धांत नहीं, स्तुति परक है, अर्थवाद है। इसलिए वाद पेटिका इसका नाम, वाद माने अर्थवाद पेटिका। तेरहवें इस अधिकरण से अठारहवें अधिकरण तक छह अधिकरणों में विचार चल, उसे पहले पहले तत्सिद्धि अधिकरणम, पहले वाला है तत्सिद्धि अधिकरणम। यजमान प्रस्तरोवत्र गुणो वा नाम वा स्तुति ही सामानाधिकरण्येन स्यादेकस्यान्य नामता। गुणो वा यजमानो वस्तु कार्ये प्रस्तर लक्षिते अंशांशित्वाद्य भावेन पूर्वन्नात्र संस्तुति ही अर्थभेदाद नामत्तम गुणश्चेत् प्रह्रियेतसः यागसाधकता द्वारा विधेय प्रस्तरस्तुतिः। वाक्य यजमानो प्रस्तरः, यजमानः प्रस्तरः। यजमान क्या है? प्रस्तर। प्रस्तर क्या चीज़ होती है? यहाँ दर्भ के घास का बंद है। यजमानः प्रस्तरः कह दिया, स्तुति परक माननी चाहिए। पूर्व पक्ष कहेगा पहले अत्र गुणो वा नाम वा स्तुति ही, तीन पक्ष है, गुण माना जाए, नाम माना जाए, स्तुति माना जाए। पहला पक्ष नाम मानो, सामानाधिकरण दोनों प्रतिमान दे, समान विभक्तिगत्व समानाधिकरणत्व दोनों प्रतिमा है। इसे यजमान को प्रस्तर नाम से कहा जाए या प्रस्तर को यजमान नाम से कहो, अन्योन्य है ना, एकस्य अन्य नामता, एक का दूसरा नाम ले लो। यजमान को प्रस्तर कहो या प्रस्तर को यजमान कह लो, नाम कर रहे हैं। एक का अनेक नाम तो होते ही हैं, दो नाम होने में क्या आपत्ति है। गुणो वा यजमान वस्तु कार्य प्रस्तर लक्षते, प्रस्तर लक्षित कार्य में यजमान तो गुण, यजमान प्रधान होता है, इसे प्रस्तर लक्षित कार्य में प्रधानता बताने के लिए प्रस्तर को यजमान कह दिया, गुणवाचक हो गया इसलिए। और स्तुति तो हो नहीं सकता, पहले जैसे यहाँ अंशांशित्वाद्य भावेन, बारह का अंश था, आठ नौ दस ग्यारह अंशांशी भाव थी, इसलिए वह स्तुति परक ले लिया। यह अंशांशी भाव आदि का न होने से पूर्वत्या संस्तुति स्तुति परक नहीं हो सकता। तब सिद्धांत कहते नहीं नहीं, अर्थभेद नामत, अर्थभेदात अनामत, दोनों में अर्थ में आत्यंतिक भेद है। यजमान एक जिंदे आदमी का नाम है जो यज्ञ करने के लिए बैठा हुआ है, और कहा है यहाँ दर्भ के घास का बंद है, जड़भूता वस्तु, ऐसे आप कह सकते हैं। इसलिए सामनाधिकरण के आधार पर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अर्थकृत भेद प्रत्यक्षता सिद्ध है वहाँ पर, इसलिए नाम नहीं हो सकता। गुणश्चेत प्रहियत सह, गुण कहोगे फिर यह यजमान को प्रारण यज्ञ में प्रयोग हो सकता है क्या? तो हो ही नहीं सकता, इसे गुणवाचक भी नहीं मान सकते, क्योंकि जो प्रस्तर है वो यजमान हो नहीं सकता। स्तुति कैसे गाएगा? यजमान को स्तोत्र आदि पाठ करना पड़ता है ना, मंत्र बोलने पड़ते हैं, क्या प्रस्तर बोलेगा? प्रस्तर तो यजमान नहीं हो सकता। और यजमान को प्रस्तर कर गुण कर दोगे, यजमान से झाड़ू मारना पड़ेगा, वो भी संभव नहीं है। अतः गुणवाचकता संभव ही नहीं है। याग साधकता द्वारा, मतलब याग के साधकता के माध्यम से विधेय का स्तुति के लिए है, समझो। विधेय कौन है? प्रस्तर, उसकी स्तुति। याग के साधनत्व न प्रस्तर का विधान किया गया है। प्रस्तरेण वेदीम प्रस्तरति प्रह्रियेता, ऐसा अलग अलग है पाठ। उस विधि में विधेय कौन है? किससे झाड़ू मारना है? कोई उठाओ झाड़ू और लग मार दो, सीख वाले से या फूल वाला झाड़ू नहीं चलेगा, दर्भ के घास की बनाना पड़ेगा, उसी से करना पड़ेगा। और प्रहरण में इस्तेमाल करना चाहो तो भी वही होगा, दर्भ का इस्तेमाल होगा प्रहरण कार्य में। इसलिए कहते विधेय जो प्रस्तर है उसे स्तुति परक माननी चाहिए, उस स्तुति कर तुम यजमान जैसे ही प्रधान हो।
इस यज्ञ में प्रधान कौन होता है? यजमान होता है। यजमान की वजह से तो यज्ञ हो रहा है। यजमान ऋतुओं को खरीद लिया, दक्षिणा पानी दे रहा है, खिला पिला रहा है, बढ़िया की चलेगा। प्रधान तो यजमान ही है। यथा प्रधानत्व यजमान में यज्ञ के दृष्टिकोण से उसे प्रस्तर को भी कह दिया, आप भी प्रधान है। यजमान के प्रधानत्व को स्तुति पर ले लिया प्रस्तर। इदम मामनायते, ये पठिते वेद में यजमान प्रस्तर इति। तत्र यजमान से प्रस्तर शब्द नामधेयम्, यजमान का नाम है प्रस्तर, ऐसा पूर्व पक्ष। प्रस्तर से वह अतः प्रस्तर का नाम यजमान गया तो जो दोनों बराबर है ना, प्रथमा के एक वचन है, यजमान का नाम प्रस्तर रख दो या प्रस्तर का नाम यजमान रख दो, मर्जी आपकी। प्रस्तर से वह यजमान शब्द नामधेयम उतः, जैसा आपने पहले किया, उद्विदा यागे ने जेत, उद्विदा यागे ने समनाद ग्रंथ थे ना, उद्विदा यागे ना, याग का नाम कह दिया उद्विद को, सर यहाँ भी कह दो नाम इत्यादि व सामनाधिकरणाद इति एक पक्ष गुणविधि अपरा पक्ष। दूसरा पक्ष क्या है? सो गुणविधि माना जाए। तदापि तब भी यजमान कार्य जपादो प्रस्तर से अचेतन से सामर्थ्य भाव। यजमान का कार्य क्या है? जप स्तोत्र पाठ आदि करना, उसमें प्रस्तर का अचेतन होने के नाते सामर्थ्य नहीं है, इसे गुणत्वम नास्ति, विपरीत में गुणत्व नहीं हो सकता। किंतु यूँ बोल सकता हूँ, प्रस्तर कार्य श्रुक धारणादो यजमान से शक्तत्वाद यजमान रूप गुणों विधीयते। प्रस्तर का कार्य क्या है? श्रुवा का धारण करना आदि अलग अलग कार्य है। दर्भ का तो अनेकों कार्य होता है ना, दर्भ का झाड़ू बांधता है, दर्भ को ही श्रुवा के नीचे लगा करके बांध देते हैं, धारण करने के लिए भी होता है, प्रहरण कार्य के लिए भी होता है, अलग अलग कार्यों के लिए प्रस्तर का प्रयोग होता है। अतएव प्रस्तर भले अचेतन है, लेकिन प्रस्तर का कार्य क्या है? श्रुक का धारण करना। वो धारण रूप कार्य यजमान में भी है, यजमान भी बहुत सारी चीज़ों को धारण किया हुआ है। वहाँ पर धारणत्व रूपी गुण को लेकर के हम प्रस्तर को यजमान कह रहा हूँ। श्रुक धारणादो यजमान से शक्तत्वाद यजमान रूपो गुणो, यजमान पर गुण का विधान हम कहाँ करेंगे? प्रस्तर में। एवं सती पश्चात श्रुतस्य प्रस्तर शब्दस्य कार्यलक्षकत्वे अपि प्रथम श्रुतो यजमान शब्दो मुख्य वृत्तिर भविष्यति। तब भले ही पश्चात श्रुत कौन है? प्रस्तर शब्द है, वह कार्य का लक्षक है, फिर प्रथम श्रुत जो यजमान शब्द है वह मुख्य वृत्तियाँ हम वह घटा लेंगे, अन्वय हो जाएगा। न चात्र पूर्वन्याय न स्तुति, पूर्व पक्ष कह सकता है कोई पूर्वन्याय से इसको भी स्तुति परक मान लो, अर्थवाद मान लो, और पक्ष खंडन करेगा। अष्टा कपाल द्वादश कपाल और ही वो 8, 9, 10, 11 ये क्या था? अंश था। किसके? 12 का। 12 में अंतर्भूत है 8, 9, 10, 11 अंशांशी भाव थी, इसलिए मैं स्तुति परक मान लिया मैंने, लेकिन यहाँ नहीं हो सकता हूँ। प्रस्तर यजमान और अंशांशित्व अभावात, यह अंशांशी भाव नहीं है। वायुर्वैक्षेपिष्ठा देवता ऊर्जो अवरुद्ध्या इत्यादिवत स्तुति रीति चेत, जैसे वायुर्वेक्षेपिष्ठा देवता कह दिया और ऊर्जो अवरुद्ध्या इत्यादि के समान स्तुति है, जे न क्षिप्रत्व धर्मवत कसचित जो है उत्कर्षस्य अप्रतीत है। वहाँ जैसे ऊर्जा है अवरोध के प्रति कारण और क्षिप्र शीघ्र गामित क्षेपिष्ठा शीघ्र जमित रूपा गुण दिख रहा है, और यहाँ कोई गुणवाचक बीच में है नहीं, यजमान प्रस्तर के बीच में कोई गुणवाचक शब्द नहीं है जो उत्कर्ष को बतावे। आपको कल्पना करना पड़ेगा उत्कर्ष, कल्पित को लेकर गुण विधि मानना उचित नहीं है। कसिचित भी उत्कर्ष से अप्रतीत है, तस्मात नाम गुण और अन्यतरत्वम इति प्राप्ति भ्रम। इसलिए या तो नाम पक्ष ले लो या गुण पक्ष मान लो, स्तुति तो हो नहीं सकता। इति प्राप्ते ब्रोम गो महिषयोरिव अर्थवेदस्य अत्यंत प्रसिद्धत्वात् नामत्वं न युक्तम्। गो और महिष में जिस प्रकार से लोक में भी अर्थकृत भेद अत्यंत प्रसिद्ध है,
और यजमान और प्रस्तर शब्द में भी अर्धकृत वेद याज्ञिकों में अत्यंत प्रसिद्ध है। अतएव यहाँ पर नाम तो हो नहीं सकता। गुण पक्षे तो अग्नौ प्रहरणस्य प्रस्तर कार्यत्वात्, जितने धर्म का प्रयोग होता है अंत में क्या करते सारे धर्मों को अग्नि में डाल देते हैं, है कि नहीं। और प्रस्तर का कार्य क्या है, अग्नि में प्रक्षेप। वह कार्य का यजमान वर्ग अग्नि या यजमान को अग्नि में डालोगे, कैसे हो सकता है? इसे गुण विधि भी नहीं हो सकता। प्रस्तर जो कार्य है वह अग्नि में जो प्रहरण करना वह यहाँ घट नहीं सकता। गुण पक्ष में तो अग्नौ प्रहरणस्य प्रस्तर कार्यत्वात् यजमाने प्रहृते सति कार्य लोपस्यात्। और यजमान को अग्नि में स्वाहा कर दोगे फिर तो यज्ञ ही खत्म हो गया, भंग हो जाएगा। यजमान को बीच में स्वाहा कर दिया, फिर बाद में आगे स्वाहा जाहुत्या कौन देगा, एक समाप्त कौन करेगा, और एक दक्षिण ऋतु को कौन देगा, यजमान ही नहीं रह गया, कर्म ही लोप हो जाएगी, आपत्ति से गुण विधि भी नहीं हो सकता है। तस्मात विधेह प्रस्तर यजमान शब्द न स्थूयते है। विधेय भूता जो प्रस्तर है यजमान शब्द के द्वारा स्तुति किया जा रहा है। यथा सिंह हो देवदत्त, दोनों प्रतिमान थे ना यहाँ पर भी, लेकिन सिंह गत क्रूरत्व शूरत्व है ना, निर्भयत्व आदि गुण को आप बालक में देखते हैं, उसे यहाँ पर ही मान लीजिए। इत्यत्र सिंह गुणे न शौर्यादि न उपेतो देवदत्त सिंह शब्दे न स्तुयते है। सिंह शब्द के द्वारा स्तुति किया गया उस देवदत्त नामक बालक का शौर्यादि गुण को लेकर के। तथा यजमान गुणे न, यजमान के गुण क्या है, याग साधनत्व, याग क्या मुख्य साधन प्रधान साधनत्व है यजमान का गुण, वह गुण को संयुक्त है या प्रस्तर करके यजमान शब्द न स्तुयते है। यजमान शब्द के द्वारा प्रधानत्व रूपी गुण को लेकर प्रस्तर का स्तुति किया जाएगा। एवं यजमान एक गपाल इत्याशु दृष्टव्य, ऐसे वाक्य जिसे यजमान प्रस्तर है कहा यजमान एक गपाल वाक्य आया वेद में। यजमान क्या है, एक कपाल पुरड़ास है, एक कपाल वाला भी पुरड़ास होता है, छोटा सा पुरड़ास, क्योंकि कपाल इतने बड़े होते हैं ना, एक कपाल के ऊपर आने लायक होना चाहिए एक कपाल वाला पुरड़ास, उसको एक कपाल वाले पुरड़ास को कह रहे हैं यजमान एक कपाल। यहाँ पर भी एक कपाल का स्तुति है यजमान शब्द के द्वारा, जैसे यजमान में याग साधनत्व की प्रधानता है उसी प्रकार समझ लो उसमें भी घटा लेना चाहिए। किसमें, एक कपाल में, एक कपाल में भी याग साधनत्व ना प्रधानता रूपी गुण के द्वारा उसे स्तुति किया जा रहा है। इत्यादि दृष्टांतों को भी यहाँ द्रष्टव्यम। चतुर्दशाधिकरण आरचित, यहाँ से चौदहवाधिकरण आरंभ हो रहा है। चौदहवाधिकरण का नाम क्या है, जात्यधिकरणम, जात्यधिकरणम विचार हो रहा है। आग्नेयो ब्राह्मणो अत्रापि पूर्ववत् सर्वनिर्णयः द्वारन्दो मुखजन्यत्वम आग्नेयत्वेन संस्थवे। वाक्य यह वेद में आग्नेयो ब्राह्मणो कह दिया, दोनों प्रतिमान थे, सामान्यधिकरण प्रयोग हुआ। पूर्वत यहाँ पर भी सब पक्ष ले लो, नाम माना जाए, गुण माना जाए, स्तुति माना जाए। पूर्वत सर्वनिर्णय, पूर्व पक्ष और सिद्धांत सब पूर्वत्ती ले लेना, इतना ही है। यहाँ पर आग्नेय में ब्राह्मणत्व रूपी गुण क्यों कह दिया आपने, ब्राह्मणत्व गुण अग्नि देवता में कैसे कटा रहे हो, तो उसके पीछे द्वारंतु मुखजन्यत्व, मुखजन्य ब्राह्मणोस्य मुखम आसीत, ये नहीं ब्राह्मणोस्य मुखम आसीत, और मुखादग्नि रजायत, मुख से अग्नि उत्पन्न हुआ है, मुख से ही ब्राह्मण आया, मुख से ही अग्नि आया, दोनों में क्या है मुखजन्यत्व रूप सादृश्यता धर्म है। अतः अग्नि को ब्राह्मण कह दिया, स्तुति कर दिया। अतः ब्राह्मण को आग्नेयत्व स्तुति कर लो, कोई आपत्ति नहीं, दोनों में मुखजन्यत्व रूप साधर्म्यता है। इदम् आम्नायते
आग्नेयो वै ब्राह्मण इति, आग्नेयो वै ब्राह्मण। अत्र अत्यंत प्रसिद्धार्थ भेदात आग्नेय शब्द न ब्राह्मणस्य नामधेयम्, अत्यंत जो प्रसिद्ध अर्थगत भेद होने के नाते आग्नेय शब्द को ब्राह्मण का नाम नहीं कह सकते। आग्नेय नाम वाला ब्राह्मण हो भी सकता है, किसी ब्राह्मण का नाम रख दो आग्नेय, आग्नेय नाम का ब्राह्मण हो जाएगा, यानी ऐसे यहाँ इस वाक्य में नहीं हो सकता। क्यों, यहाँ आग्नेय शब्द कैसे बना, अग्निर्देवता अस्य, अग्निर्ढक सुजसासे देवता के अधिकार में ढक प्रत्यग्रह आग्नेय बना। आग्नेय का तात्पर्य कोई न कोई हविष के लिए, अग्निर्देवता अस्य हविष, चाहे घी हो चारु हो जो भी द्रव्य पदार्थ है, अग्नि देवता आपने रखा है, पूर्णाश भी हो सकता है, उसका नाम आग्नेय। और ब्राह्मण एक जाति विशेष है, दोनों में अर्थकृत व्याकरण दृष्टिया लोक दृष्टिया सर्वदृष्टिया जो है अत्यंत भिन्नार्थक है, अतः एक दूसरे का नामधेय नहीं हो सकते। फिर गुण का विधान कर लो, नाप अग्नि देवता रूप गुणों भी देते, फिर अग्नि देवता भी गुण का विधान कर लो तेजतांत के आधार पर। देवता का विधान करूँ किस कर्म में विधान करूँगा, ब्राह्मण नाम का कोई याग है क्या, आग्नेयो वही ब्राह्मण बोला जा रहा है, ब्राह्मण नाम का कोई याग हो उसमें अग्नि देवता का विधान कर देता, इनसे कोई याग तो ही नहीं, कहीं यजेता साथ में होता तो बन जाता। ना भी अग्नि देवता रूप गुणों भी देते, आग्नेयम सुक्तम आग्नेयम हविर इत्यम देवता जितस्य सुक्त हविर विषयत्वात् नात्र ब्राह्मण त्वात् न ब्राह्मण सुक्त। अरे ब्राह्मण न सुक्त है, न हविष है, न कुछ है, इसलिए आग्नेयम सुक्तम आग्नेयम हवि इत्यादि के द्वारा सास देवता तेतान से क्या मालूम हो रहा है, सुक्त को आग्नेय कहा जाएगा है कि नहीं, हविष को आग्नेय कहा जाएगा, इन ब्राह्मण को आग्नेय हम कैसे कहेंगे, ब्राह्मण न सुक्त है, ब्राह्मण न हविष है। यदि हविष होता है ब्राह्मण तो स्वाहा कर देते ना, काट के डाल दो ब्राह्मण, इन ब्राह्मण हविष भी नहीं है, ब्राह्मण को सुक्त नहीं उसकी पाठ कर लो, इसलिए गुण विधि भी नहीं हो सकता। नापि हवि ना ब्राह्मण सुक्तम नापि हवि, अतः संबंधवाची तैतांतेन आग्नेय शब्देन ब्राह्मण स्थूयत है, इसे संबंधवाची है सा अस्य, अस्य का संबंध है ना, हम षष्ठी ले रहे हैं, संबंधवाची आग्नेय शब्द के द्वारा ब्राह्मण का स्तुति किया जा रहा है। यदि भी ब्राह्मण है नाग्नि संबंध हो, यदि ब्राह्मण में अग्नि के साथ कोई साक्षात संबंध तो है ही नहीं, फिर कैसे करोगे, तथापि अग्नि संबंध मुखजन्यत्व गुणों ब्राह्मणे विद्यते, अग्नि का संबंधी जो मुख्य मुख जन्यत्व नाम का जो गुण है वो ब्राह्मण में बराबर विद्यमान है कि दोनों ही मुख से ही पैदा हुए हैं। तथा च अग्नि ब्राह्मणे और मुखजन्यत्वम कस्मिंश्चित अर्थवादे समामना, इसलिए अग्नि और ब्राह्मण में मुखजन्यत्व किसी न किसी अर्थवाद में सम्यक पाठ भी हुआ है। क्या कहा है, देखो मंत्र दे रहे, प्रजापतिर कामयत प्रजा सृजयेति स मुखतस त्रिव्रतम निर अमिमीत तम अग्निर देवता अन्वसृजत गायत्री छंदो रतंत्रम साम ब्राह्मणो मनुष्यानाम अज पशुनामिति, ऐसा मुख से पैदा किया प्रजापति ने, प्रजापति ने कामना की मैं प्रजाओं का सृष्टि करूं, और क्या किया उसने सबसे पहले स मुखत त्रिवृतम निरमित, और सबसे पहले इन भूतों का त्रिवृतकरण किया, मैंने पंचीकरण कर दिया, त्रिवृतकरण है ना, छांदोग्य उपनिषद में भी त्रिवृतकरण आया, उपलक्षण है पंचीकरण का, ये प्रजापति ने क्या किया, इन भूतों को पहले त्रिवृत कर दिया, मैंने पंचीकृत करके तैयार कर लिया, इससे माल बनाना है, जैसे आप भी भोजन जब बनाते हो सब तैयार कर देते हो, सब्जियाँ मनिया कर लिया, इधर दाल धो दिया, इधर ये कर दिया, सब तैयारी कर लेते हैं, घड़ा बनाना है, कुल्हड़ बनाना है, सब क्या करेगा, वो भी मिट्टी में सब सान सुन के तैयारी करके रख देगा, उसे भी धीरे धीरे बनाते जाएगा, इसलिए पहले पंचगण करके भूतों को तैयार कर लिया, इन भूतों से मुझे अब सृष्टि आरम्भ करना है। क्या क्या सृष्टि किया उसने सबसे पहले, सुनो तम अग्निर्देवता अन्वसृजत,
सबसे पहले उसने अग्नि देवता को उत्पन्न किया, फिर गायत्री छंद, फिर रतंत्र सांप, फिर ब्राह्मणों मनुष्याणाम, फिर राजा पशुनाम, ये सब कब पैदा किया? तस्मात ते मुख्या, ये सब कहाँ से पैदा किया? मुख से ही। स मुखतः, बोला था ना, स मुखतः त्रिवृतम निरमित, मुख से ही पैदा किया सबको, पंचभूतों को पढ़ के उनको त्रिवृत किया, त्रिवृत करने के बाद उसे सबसे पहले अग्नि देवता, फिर गायत्री छंद, फिर रतंत्र सांप, फिर ब्राह्मण मनुष्यों में, फिर बकरा जो है पशुओं में पैदा किया। यहाँ पर इन सभी में क्या है? मुखजन्यत्व साधर्म है, सबके सब क्या ये मुखजन्य है। मुख तो ही असृजंत इति, तस्माद आग्नेय शब्द स्थावक, आग्नेय शब्द स्तुति कर रहा है किसका? ब्राह्मण का। एवमेव ऐन्द्रो राजन्यो वैश्यो वैश्वदेव इत्यादिशोपि द्रष्टव्य। ऐन्द्र शब्द के द्वारा क्षत्रिय का स्तुति और जो है वैश्वदेव शब्द के द्वारा वैश्यवर्ण का स्तुति इत्यादियों में भी ग्रहण करनी चाहिए। पंचदशाधिकरण मारचेति, पंचदशाधिकरण पांडवाधिकरण इसका नाम है, सारूप्याधिकरण, सारूप्याधिकरण नाम से है। आदित्य यूप इत्यत्र स्तुतिरादित्य शब्दतः द्वारं चाक्षुष सारूप्यम घृताग्ते तेजसस्ति तत्। आदित्य यूप, यहाँ पर भी क्या मानना चाहिए? पूर्वत कहेगा नाम मानो गुण मानो सब खंडन हो जाता है, स्तुतिर आदित्य शब्दतः, आदित्य शब्द से यूप का स्तुति किया जा रहा है। कैसे स्तुति करोगे आप? द्वारम चाक्षुष सारूप्यम, द्वार क्या है? चक्षु के द्वारा हम यूप को देख रहे हैं। यूप कैसे दिख रहा है? चमक रहा है। कैसे चमक रहा है? जैसे सूर्य चमक रहा है, सूर्य में क्या है? चमक है, यूप में भी चमक है, ये सादृश्यता है। और यूप तो लकड़ी है, वो कैसे चमकेगा? है कैसे चमकेगा? वो लकड़ी चमकता है क्या बिना पॉलिश मारे? बहुत पॉलिश करना पड़ता है तब तो कहीं चमकेगा वो। कहते यहाँ भी पॉलिश हो रखा है, किससे? वही आगे कह दिया, तेजस्वी तंत, क्यों? घृत के द्वारा, क्योंकि घृतागते तेजस्य अस्तित्व, घृत से घी से उसको हमने पॉलिशिंग कर दिया बढ़िया से, और घी के कारण से चमक रहा है। जैसे खंभा क्या चमक दौड़ ही रहा है, अरे पॉलिशिंग कर दो तो चमकेगा, एक लोटा पानी डाल दो चमक जाएगा, घी लगा दो चमक जाएगा। वैसे यूप लकड़ी भी क्या है? घी लगा रखे, घी लगाने का विधि है वहाँ पर, घी लगाए बिना यूप नहीं होता, क्यों? लकड़ी गाड़ने से काम चलेगा नहीं, विधिवत से घी लगाया जाएगा, फिर जहाँ उसके पीट लगे सब उतने हिस्से में एक धोती बांधा जाएगा, विधि है ना ये सब। अतएव आदित्य यूप का कर यूप का स्तुति आदित्य के द्वारा किया गया है। तेजसे अस्तित्व घृतागते तेजसे, घी से जो है साना हुआ होने से वो जो यूप में भी तेज दिख रहा है वो सूर्य के तेज के समान तेज है। आदित्य ये चक्षुर्गम्यम तेजस्वित, सूर्य में जो चक्षुर्गम्य तेजस्वित हम देख रहे हैं तद यूपे भी अस्ति, और यूप में भी है, क्यों? घृताग्तस्य तेजस्वित अध्यवसायात, घृत से जो है लगा दिया गया, अंकित कर दिया गया, अंजना दिया गया, ऐसे जो यूप है उसमें तेजस्वित्व का निश्चय होता है। तद आदित्य शब्देन यूप अस्तुयते, इसलिए उस तेजस्वित्व भी गुण को देखते हुए आदित्य शब्द के द्वारा यूप का स्तुति किया जाएगा। इसी प्रकार से एवं यजमानो यूप इत चक्षुर्गम्यस्य ऊर्ध्वत्वस्य समानत्वात् यजमान शब्देन यूप अस्तुयते, यजमान यूप में क्या सादृश्यता देखोगे? वहाँ तो घी लगाए चमका दिए, अब यह यूप क्या है? सीधा यूँ खड़ा है, जैसे यजमान में क्या है? सीधे खड़ा रहता है कि नहीं? यजमान का काम क्या है? हमेशा हाथ जोड़ के खड़े रहना,
जब तक बोलेंगे ना कोई काम नहीं बनेगा, हाथ जोड़े रहो, यजमान का काम होता है। हाथ नहीं छोड़ेगा, जोड़ा है तो यजमान नहीं, ठीक नहीं यजमान, गड़बड़ यजमान। यजमान की एक ही है, हमेशा हाथ जोड़ के बोले हाथ घी डालो, डाल दिया तुरंत हाथ जोड़ के, आधे सोते जाए वो काम करो फिर हाथ जोड़ो। वैसे सीधा ही खड़ा भी रहता है हमेशा, जब बैठने बोले तो बैठेगा, नहीं तो खड़े रहना है उसका, उसे काम कराना है ना यजमानों के द्वारा, बैठने से थोड़ी काम चलेगा। इसे कब बैठना है कब खड़ा करना है सब उसके, जब खड़े रहते कैसे रहते हैं वो ऊर्ध्व खड़ा है, तो यूपी कैसा, वहाँ लेटा हुआ नहीं है, बैठा हुआ नहीं है, खड़ा है। ये खड़े हुए यजमान की तुलना करते हुए युप को स्तुति कर दिया यजमान शब्द के द्वारा। ये यजमान युप इत्यत्र चक्षुर्गम्य क्या है, वह ऊर्ध्वत्व, उसकी समानत्वात यजमान शब्देन युप स्तुयते, यजमान शब्द के द्वारा युप का स्तुति किया जा रहा है। सोलवाधिकरण आरंभ होता है, षोडशाधिकरण मारचयति, इसका नाम है प्रशंसाधिकरण, प्रशंसाधिकरण। वाक्य बहुत विचित्र ले रहे हैं यहाँ, पशवो वज्ञे गवाश्वेभ्य अपशवो वा इति श्रुतम अजादिश्व पशुत्तम यद् गुणो वादो अथवास्तु तत् स्तुत्य भाव गुणस्तेषु पशु कार्य निषेधनम अशक्यतात् निषेधस्य घटाद्यर्ता वेधायिना पशवो अपशु शब्देन प्राशस्त्या भाव साम्यतः लक्ष्यास्तत्र निमित्तन्तु प्रशंसैव गवाश्वयोः। वाक्य अपशवो वा अन्य गो अश्वेभ्यः पशवो गो अश्वाः इति, थोड़ा पंक्ति को श्लोक के अनुसार आगे पीछे शब्द कर दिया, पंक्ति नीचे दिया है शुरू में, इदम आमनायते अपशवो वा अन्य, देखो हाँ अपशवो आगे श्लोक में, अपशवो एक नंबर लिख लो, अपशवो वा वाक्य बाद वो दो नंबर लिखो, अन्य ये तीन नंबर लिख लो, ऐसे ऊपर नंबर लिखें तो अन्वय हो जाएगा। अपशवो व अन्य गवाश्वेभ्यो चार नंबर लिख दो, गवाश्वेभ्यो पशवो गो अश्वाहा पाँच नंबर आएगा, शुरू में लिखा है जो पशव, जब पशव गो अश्वा इति श्रुतम, ऐसे वाक्य सुनने को मिला। इस वाक्य में आजादियों में गो अश्वेभ्यो अन्य का देना, गौ और घोड़ों से अन्य कौन हो गया, भेड़ बकरी जितने भी गधा घोड़ा हो गया, घोड़ा घोड़े से भिन्न ले लिया, गौ और घोड़े से भिन्न, गौ घोड़े से भिन्न क्या होगा, गधा है बकरी है अन्य पशु बहुत सारे हैं, सिंह है नहीं, लकड़बग्गा है, भालू है, जितने भी है उनको क्या कह दिया, यह पशु है, जो पशु का पशु कह दिया, ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो पशु है, वो उनको पशु कैसे कह रहे हैं, और पशु कौन है इस संसार में, गौ और घोड़े दो ही प्रकार के पशु। ये बड़ा विचित्र वाक्य नहीं है, प्रत्यक्ष वृद्ध बोल रहे हैं, इसका तात्पर्य कुछ तो निकालना पड़ेगा। वही कहा अपशवो अन्य, अन्य किनसे अन्य, गो अश्वेभ्य, गो अश्वेभ्य अन्य क्या है, अपशव गौ और घोड़े से अप जितने ही हैं ऐसे अन्य वो अपशु कहे जाएंगे। ये पशु कौन है, गौ और घोड़े ही पशु हैं। ये वाक्य है, इस वाक्य विचार करना है, अजादिशो अपशुत्वम तद्गुणो वादो अथवा स्तुतत्विति, आजादियों में अपशुत्व माना जाए या गुण विधि माना जाए या अर्थवाद माना जाए, अस्तुतत् कहते नहीं, स्तुत्य भावात स्तुत्य नहीं हो सकता, गुण तेषु पशु कार्य निषेधनम, गुण विधि मान लो उन्हें पशु कार्य का निषेध कर दो, जो कार्य गौ घोड़े से होते हैं वो कार्य उनसे नहीं लेना बकरी आदि से, ऐसा अर्थ कर सकता हूँ। अशक्यत्वात् निषेधस्य, लेकिन वास्तव में निषेध करना भी संभव नहीं है, यहाँ
ये अशक्यत्वात् निशिष्य घटाध्यर्ता विदायिना। अब पशु शब्द का अर्थ क्या होगा? घटादि, घड़े आदि अपशु शब्द का अभिधा वृत्ति से अर्थ होगा, वाचार्थ होगा। क्यों? मनुष्य भी तो पशु ही है। पशुवादिश्च विशेषात् ब्रह्मसूत्र शुरू में भाषिकार कहते हैं मनुष्य कोई नहीं है, यह सब पशु ही है। मनुष्य तो कोई कोई होता है, एका दुक्का, ज्यादा नहीं है मनुष्य, सब पशु है। बोलते पशुवादिश्च विशेषात् क्योंकि आहार निद्रा मही मैथुन च समान में तत् पशुवीर नारायणाम धर्म हो एको अधिको विशेष हो धर्म नहीं ना पशु। और आज सब धर्म किसे हीन है, वर्णाश्रम धर्म से हीन है। चिल्ला रहे लोकसभा में वर्णाश्रम को लागू मत करो, लागू मत करो, चिल्ला रहे। मैंने सबको पशु बने रहने दो, ये कह रहे हैं लोग। क्यों? वर्णाश्रम वाला हो जाएगा तो मनुष्य हो जाएगा। वो वर्ण मानने लगे आप, आश्रम धर्म मानने लग जाए, ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास या वर्णाश्रम धर्म मानने लगोगे, अब मशु मनुष्य हो गए, न मानना ही पशुता है। और जितने संप्रदाय इस देश के अंदर इस समय में चल रहे हैं, लगभग सब के सब वर्णाश्रम धर्म को मानते ही नहीं, सब हमको पशु बनाए रखने में लगे हुए। बड़ी विचित्र स्थिति है, कलयुग है, विचित्र महिमा है। ये अपशु सबसे वास्तविक अर्थ क्या निकलेगा? घटादि निकलेगा, मनुष्य भी नहीं निकलेगा। वही समझ घटाद्यर्थ अभिधाई ना, घटाद्यर्थ की अभिधाई के द्वारा जो अपशु शब्द के द्वारा या उसका निषेध करना संभव नहीं है। इसलिए पशव अपशु शब्देन प्राशस्त्य भाव साम्यतः, पशुओं को अपशु शब्द के द्वारा प्रशंसा भी नहीं की जा सकती। पशुओं को अपशु कहना प्रशंसा है क्या? जैसे आप मनुष्य को पशु कहूँगा तब नाराज हो जाते हैं, अमनुष्य कहो तो भी नाराज हो जाएंगे। तो मनुष्य नहीं है तो क्या मैं राक्षस हूँ क्या बोलोगे तुरंत? जैसे पशु को अपशु कैसे कहेंगे, स्तुति कैसे होगा ऐसे कहना, ये संभव नहीं है। फिर क्या करना चाहिए? लक्ष्यास्तत्र निमित्तं दो, लक्ष्य रुक करके हमें उसके निमित्त क्या दूंगा? प्रशंसैव गवाश्वयो, गौर अश्व प्रशंसा में कह दिया जा रहा है, अन्य सब क्या है अपशु का। ये भी काम आते हैं, भेड़ बकरी काम नहीं आते क्या? भेड़ बकरी भी काम आते हैं, भेड़ से तो ऊन निकलता है, बकरी का दूध मिलता है। जब क्या एक बीमारी होती है ना, उसे बकरी का दूध पिलाते हैं, डेंगू, डेंगू, डेंगू बुखार होता है, सबको बकरी का दूध पिलाया जाता है। काम की चीज़ है ना, एक आदमी का जान बचा रहा है वो, तो कैसे आप कह रहे हैं उसको? लेकिन इसीलिए कहते हैं ये भी पशु हैं, लेकिन उनको अपशु कहा जा रहा है, गौर अश्व की महिमा से उनकी प्रशंसा करने। इदम आमनायते, वेद में एक मंत्र ऐसा पठित है, अपशभ व अन्य कार्या किनसे? अन्य गोश्वेभ्य, गौ और घोड़ों से, अन्य जितने भी है बकरी सिंह वगैरह सब भालू वो सब क्या क्या है? अपशु है कह दिया। पशवो गो अश्वाहा, फिर पशु कौन है? गौ और घोड़े, यही दो पशु हैं। ये मंत्र कह रहा, सीधे शब्दार्थ तो यही दिख रहा है। तत्र अजाद शुश्रेमाणम यद अपशुत्तम तस्य अर्थवादत्तम न संभवति। उसे पूर्व पशु का कहना है अजा आदि बकरी आदियों में श्रेयमाण जो अपशुत्व है वह अर्थवाद नहीं कहा जा सकता। पशु को अपशु कहकर स्तुति थोड़ी कहा जाए, राजा को तुम गरीब हो कह दोगे तो प्रशंसा थोड़ी होगा, राजा को तुम राजा नहीं हो कह दो ये प्रशंसा नहीं होता। इसलिए पशु को अपशु कहना प्रशंसा नहीं हो सकता, अर्थवाद नहीं हो सकता। इसलिए निंदा भी अर्थवाद कोटि में आता है, वो भी नहीं कर सकते आप। निंदा करोगे तो भी नाराज होगे ना। अब राजा को कह दो आप राजा नहीं है, निंदा कर दोगे राजा तो गर्दन ही काट देगा, है अर्थवाद नहीं है। अर्थवाद यहाँ अर्थवाद हम प्रशंसा किसी कर रहे हैं, गौर अश्व करके बकरियों का अर्थवाद नहीं है, बकरी आदि ये नियम कर रहे हैं,
गौर सुखा कर रहे हैं, इनकी निंदा की ओर से प्रशंसा भी नहीं करना हमने, इनको कहना है घटादेव जैसा नहीं है इसलिए ये कहना पड़ेगा। कि अपशु का अर्थ क्या है, शब्द का अर्थ घटादी, अपशु शब्द का अर्थ है मुख्य अर्थ है घटादी, उनके माध्यम से हमें घटाना है तो द्वारा हमें घटाना है, वही समझा रहे कैसे घटा जाएगा। पशुत्व निषेध मात्रेण स्तुते रभावात, कि पशुत्व के निषेध करने से न स्तुति हो सकती है न निंदा हो सकती है। तथा पशु कार्य निषेध रूपो गुणो, इसे पशु का कार्य जो है कार्य का निषेध करो, पशु कार्य को निषेध करना, उसमें पशु कौन थे गौ और घोड़े, उनका कार्य क्या वो कार्य नहीं कर सकते। गौ क्या करता है दूध आदि देता है, वो हमारा खाना पीना दही वगैरह बना के हम खाते पीते हैं, इन वो बकरी का दूध से भी नहीं होने वाला, अरे बीमारी में दवाई क्रम में काम है, उसके चाय बना के पियोगे बकरी का दूध से, दही बनाकर बढ़िया कड़ी बनाओगे उसे, ये तो नहीं होने वाला। बकरे दूध का दही बनाओ उसे श्रीखंड बना लो, करेगा कोई नहीं हो सकता। इसे गौ का जो कार्य वो कार्य नहीं है ये बताना, गुण विधि। घोड़े का कार्य क्या है, चढ़कर अपने सवार के भागो, या बकरी पर सवार भागेगा आदमी युद्ध लड़ने जाएगा, कहीं बकरी पर बैठ के युद्ध लड़ता हो किसने देखा आज तक, हाँ इसे गुण विधि बनाओ, उसको गुण विधि क्या कार्य तो अनुमान करना पड़ेगा, इसे कहते पशु कार्य का निषेध रूपा गुण को विधान कर दो यहाँ। यदि चेत सिद्धांत मय वाम, ऐसे नहीं हो सकता, आजाद पशु विधे वैयक्त प्रसंगा निषेधुम अशक्य, आजाद पशु विधि में वैयक्त्य उसका ऐसे पशु कार्य का निषेध करना का फल क्या है, याग में कोई काम आएगा, व्यर्थ है फिर तो। इसलिए ऐसा अन्वय करना गुण विधि मान के अन्वय करना भी ठीक नहीं है, क्यों यज्ञ दृष्टिकोण में प्रयोजन दिखना चाहिए ना, इसे वेद मंत्र है यज्ञ में प्रयोग हो रहे हैं तो वहाँ क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, इससे वहाँ कोई प्रयोजन नहीं दिख रहा हमें, इसलिए वही तो वैयर्थ्य प्रसंगात निषेधुम अशक्यत्वात, निषेध करना संभव नहीं है। अपशु शब्द, इसलिए अपशु शब्द का अर्थ क्या होगा, पशु व्यतिरिक्तम घटादि पदार्थम अभिदाती, पशु शब्द क्या है पशु से भिन्नत्व का बोध कराता है, पशु भिन्न क्या है घटादि का बोध कराता है, घटादि ही शब्दार्थ, अपशु शब्द का अर्थ क्या है घटादि सीधे सीधे। तस्मिन घटादो गवाश्ववत, गवाश्ववत है वो, ठीक कर लेना उसको, गवाश्ववत प्राशस्त्यम नास्ति, इन घटादि में गौ और घोड़े का जैसे महिमा है वो घड़े में नहीं है, घट और अश्वि की जो प्राशस्त्य है प्रशंसा है महिमा है वो घड़ा आदि में है क्या भाई, जड़ वस्तुओं में नहीं हो सकता। स्वयं प्राशस्त्य अभाव आजादी पशुशो अस्ति, इसलिए प्राशस्त्य का अभाव जो है आजादी पशुओं में है, इतनेन अभिप्रायेण पशव एव संतोपि पशु होते हुए भी उन बकरी आदियों को अजादियों घटादि साम्याद अपशु शब्देन लक्षन्ते, घटादि की सादृश्यता को ध्यान में रखते हुए अपशु शब्द के द्वारा लक्षित किया जा रहा है। जैसे घटादि में गौ अश्व का प्रयोजन, जो गौ अश्व जिस प्रयोजन के लिए प्रयोग होता है लोक में वेद में एक ही कर्मकांड में वातार्थ प्रयोजन इनसे नहीं होता, किनसे घटादि से, यथा तथा बकरी आदि से भी नहीं, अतः बकरी आदि घटादि के साथ समानता दिखाते हुए कह दिया गया अपशवो इति लक्षन्ते। पूर्वत्र यजमान कार्य सिद्धिर आग्नेय मुखजत्वम आदित्यवत तेजस्वित्वंच यजमानादि शब्दानां प्रसराद्यर्थेषु प्रवृत्ति निमित्तम, जैसा पूर्वत्र आपने किया यजमान का कार्य की जो सिद्धि आग्नेय में क्या था मुखजन्यत्व था, आदित्य में क्या था तेजस्वित्व, उन सबको यजमानादि शब्दानाम प्रसराद्यर्थेषु यजमान शब्दों को प्रसरादि पदार्थों में प्रवृत्ति निमित्तक मान लिया आपने, तद्वत इसी प्रकार से यहाँ पर भी तत् प्रवृत्ति निमित्तम प्रसरादि प्रशंसा, और प्रवृत्ति के निमित्त क्या था वहाँ प्रवृत्ति का फल
आर्ष प्रवृत्ति का फल क्या है? प्रसरादि की प्रशंसा करना, ठीक उसी प्रया पर भी। यह तो अपशु शब्द से अजादिश प्रवृत्तौ गवाश और प्रशंसैव निमित्त, इसलिए अपशु शब्द का प्रयोग जो बकरी आदि के लिए प्रयोग कर रहे हो, प्रवृत्त कर दे रहे हो, वह गौ रस की प्रशंसा के लिए ही आपने प्रयोग किया, प्रशंसैव निमित्त होता है। और प्रशंसा भी दो प्रकार की होती, द्विप्रकार ही प्रशंसा, दो प्रकार से प्रशंसा होती है। वस्तु ने विद्यमान गुणोत्कर्ष एक प्रकार, वस्तु में विद्यमान गुणों में उत्कर्षता को बताना एक तरह की प्रशंसा होगी। आप में विद्यमान गुण कोई गुणगान कर दो, ये जो उत्कर्ष कर देना, ये स्तुति हो गई। और अविद्यमान गुण को कहना वो चमचागिरी हो गई, वो स्तुति थोड़ी है। ये तो आगे जो सुदाम ने मना कर दिया, उसके मित्र ने कहा देखो मैं पालकी में जा रहा हूँ, कितना मेरा सब ऐश्वर्य, तुम भी एक राज्य की झूठी स्तुति कर दो ना, एक कविता एक श्लोक बना के सुना दो, राजा तुमको सब कुछ दे देगा। उन्होंने कहा भूखा मर जाऊंगा, इन्हें काम नहीं करना, झूठी स्तुति नहीं की जाए, इन चमचों का काम ही है झूठा स्तुति करना। यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता ना, वेद में झूठी स्तुति कैसे करेंगे वेद में, इसलिए कहते देखो या तो उस प्रकार का नहीं हो, दूसरे प्रकार क्या है, स्थावकेन शब्देन संपादित गुणोत्कर्ष अपर प्रकार। स्थावक जो शब्द है उसे जो गुण के द्वारा उस जो प्रशंसनीय पदार्थ में हम उत्कर्ष दिखाना चाहें, ये दूसरे प्रकार, वो यहाँ पर अपशु शब्द स्थावक पद यहाँ। इसलिए पूर्वत्र जैसे यहाँ पर हमने हम क्या किया, अभी आजाद घटादे साम्याद अपशु शब्देन लक्षण, इसे घटादि ये सादृश्यता के कारण से अपशब्द से आजादी को भी लक्षित कर दूंगा, और माध्यम से प्रशंसा किया जाए गौ का। अपशु शब्द से आजादी से प्रवृत्तौ गवाश्वर प्रशंसा निमित्तम, और प्रशंसा दो प्रकार, दूसरी प्रकार यहाँ लेना हमने, गवाश्वयोर आजादिभ्य उत्कर्षो लोक सिद्धो, गौ और घोड़े में बकरी आदि की अपेक्षा से उत्कर्ष क्या है हमें कहने की जरूरत ही नहीं, लोक में ही सिद्ध है। बकरी की अपेक्षा से गौ श्रेष्ठ पशु है, बकरी आदि की अपेक्षा से घोड़ा श्रेष्ठ पशु है, ये बात लोक में ही प्रसिद्ध है कि मनुष्य के अधिकतर कार्यों में जीवन के अस्तित्व को लेकर से अपने जो विकास के लिए ये दोनों या सबसे ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ है, गौ और घोड़े। उनमें से आज के ज़माने में घोड़े के स्थान कौन ले लिया, कार आदि ले लिया, स्कूटी टैक्सी मोटरसाइकिल, ये घोड़े का काम कर रहे हैं। और गौ का काम कौन कर रहा है, डुप्लीकेट दूध पाउडर दूध, इसे गौ को पालने की जरूरत नहीं, ये स्थिति हो गई है। हाँ नहीं, आजकल इनसे काम चल रहा है, अमूल पराग नहीं मदर डेयरी लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। आज भी यदि आप स्वास्थ्य चाहते हैं गौ का दूध पीजिए, या भी प्रदूषण को खत्म करना चाहते हैं घोड़े को इस्तेमाल कीजिए, घोड़े का लीद भी खाद के रूप में काम आएगा, उसे बढ़िया खाद नहीं, गोबर का भी, गोबर भी खाद में काम आता है, हमारा फसल भी बढ़िया होगा, स्वस्थ रहोगे। और हटा के अमूल पियोगे अस्वस्थ रहोगे, घोड़े हटा के गाड़ी को इस्तेमाल करोगे प्रदूषण होगा, प्रदूषण से 100 बीमारियां आ रहे हैं। आज के प्रसंग में भी गौ और घोड़े के महत्व आप भले मूर्ख लोग ना समझें, लेकिन आज भी है उतनी महत्व जो वैदिक काल में जो था। आज भी कह रहे ऑर्गेनिक खाओ, अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्गेनिक खाओ, ऑर्गेनिक खाओ बोलते हैं, आदि अंग्रेजी आदि हिंदी बोलते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, गौ के गोबर से, अनाज आदियों से, पत्ते आदि से उन खाद को डालो, उससे उगाया हुआ का नाम अंग्रेजी में ऑर्गेनिक बोलते हैं।
लौट रहे कि नहीं लौट रहे? वो यूरिया वाला गो लोग चाहते नहीं है, अब मजबूरी में खाना पड़े, बात अलग। यह आज के प्रसंग में भी अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, गौ और घोड़े का महत्व घटा नहीं है, आज उत्कर्ष है।